आज के क्लास में हम सिविल इंजीनियरिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ये सवाल गेट सिविल शिफ्ट वन 2024 में पूछे गए थे सिविल के अंदर दो पेपर हुए थे मॉर्निंग पेपर एंड आफ्टरनून तो आज के वीडियो में हम मॉर्निंग सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं ठीक है, है? चलिए तो सबसे पहले मैं सारे सवाल आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप खुद से ट्राई कर सको फिर मेरे सोल्यूशंस को देखना विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स तो याद रखना वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है तो ये पहला सवाल न्यूमेरिकल मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से बच करके रहना चेतावनी पहली दे दी फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से अगेन एक और सवाल और ऐसे सवाल हमने कई बार किए हैं प्रैक्टिस कोर्स में कंसेप्चुअल क्लास में तो ये तो आप खुश हो जाना चाहिए था ऐसा सवाल जब एग्जाम में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड से मैंने कंसेप्चुअल क्लास में कहा था अक्सर बच्चे न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर न्यूटन्स इंटरपोलेशन पढ़ते नहीं है क्योंकि इसमें से ज़्यादा सवाल पूछे नहीं गए हैं पर आपको पढ़ना है इम्पॉर्टेंट है और ईजी भी है तो देखो आ गया ये सवाल देखो नहीं पढ़ने का नतीजा एग्जाम में प्रकट हो जाता है आइगन वैल्यूज़ का इजी सवाल उसके बाद वेक्टर कैलकुलस का सवाल इजी है नेक्स्ट वेक्टर कैलकुलस से अगेन इजी क्वेश्चन है और फाइनल क्वेश्चन प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से तो इसी के साथ ये नौ क्वेश्चन इन टोटल आपको खुद से सॉल्व करने थे और अब है सोल्यूशन की बारी तो चलिए सोल्यूशन को देखते हैं सबसे पहला सवाल द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस थिंग लाइज इन द रेंज ए बी सी और डी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्यू सबसे पहले रूट को समझना है रूट कब मिलता है दो केस में मिलता है कौन से वो दो केस है ये दो केस है ठीक है पहले रूट का मतलब आप समझिए एक बार रूट का मतलब समझ गए ना तो आंसर अपने आप आ जाता है ये देखो पहला केस डिस्कस करते हैं मान लो एक पॉइंट ए पर आपका फंक्शन है पॉजिटिव एंड पॉइंट बी पर आपका फंक्शन है नेगेटिव तो आपका जो ग्राफ है आपका जो फंक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव अगर उसको जाना है तो एक बार ही उसको एक्स एक्सिस को कट करना है तो जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो यही पॉइंट आपका रूट बन जाता है अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर उल्टा भी तो हो सकता है पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जाना है तो अगेन एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा और ये जो पॉइंट है यही आपका रूट बन जाता है तो ये हो गया रूट का कॉन्सेप्ट अगर ये पता है न्यूमेरिकल मेथड में मैंने आपको समझाया था तो फिर ये सवाल आराम से बन जाता है अब ऑप्शन की मदद से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे जैसे वो हमसे जानना चाहते हैं क्या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑवैसी बात है यही रेंज है स्मॉलेस्ट का फिर धीरे धीरे इंटरवल बढ़ते जा रहा है टू से फोर सिक्स से एट टेन 10 से हंड्रेड तो ज़ीरो से टू स्मॉलेस्ट हुआ इसको पहले चेक कर लेते हैं इसमें रूट है या नहीं अगर इसमें रूट नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे पर अगर इसमें रूट हो गया तो आंसर मिल गया तो चलिए तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू देखिए और वो फंक्शन सर जी हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है अरे फंक्शन है ना ये देखो ये पूरा का पूरा आपका एफ ऑफ एक्स है ठीक है जी ये पूरा का पूरा आपका एफ ऑफ एक्स है तो यहां पर आपको कहना है दैट माई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर फाइव माइनस फाइव एक्स का पावर फोर माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस पचास एक्स स्क्वेर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर्टी फाइव अब एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे एज़ पर ऑप्शन ए ठीक है तो एक्स की जगह जब जीरो रखा तो फंक्शन की वैल्यू माइनस फोर्टी फाइव आ गई और एक्स की जगह जब टू रखा तो फंक्शन की वैल्यू प्लस फोर्टी फाइव आ गई तो यहाँ पर ए पॉइंट पर फंक्शन है नेगेटिव बी पॉइंट पर फंक्शन है पॉजिटिव कौन सा केस बना सर जी ये वाला केस बना अगर केस बना तो रूट मिलेगा ना हाँ सर जी अगर रूट मिलेगा देर फोर रूट एग्जिस्ट रूट एग्जिस्ट और उनका जो रिक्वायरमेंट है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट इज प्रेजेंट इन दिस इंटरवल तो हम यहां पर लिखेंगे दैट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट इज प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन द इंटरवल जो उन्होंने कहा है जीरो से लेकर के टू ठीक है तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही बन जाता है और ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था आराम से आप बना सकते थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर दी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एन अननोन फंक्शन यू जहां पर एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है अपॉन डो स्क्सर दैट इज इक्वल टू अज्यूमिंग जी इज फंक्शन ऑफ वाई दिनल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज वॉट तो करेक्ट आंसर इसका था ऑप्शन बी इसको सॉल्व कर सकते हैं दो तरीके से ठीक है पहला तरीका है आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो कि डो स्क्वेयर यू अपॉन डो एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू टू तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना डो बाई डो एक्स ऑफ डो यू बाई डो एक्स दैट इज इक्वल टू टू अगर ऐसा कह सकता हूँ तो फिर इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऑन बोथ दी साइड अगर ऐसा करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और ये डो कटेगा इसका इंटीग्रेशन टू एक्स ध्यान से देखना लेफ्ट हैंड साइड में जो कटा है वो ये दो है बचने वाला प्लेयर ये है तो जो बच गया है उसको लिखो डो यू बाय डो एक्स अब यहाँ पर 2x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आएगा अब वो कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे जब x आपका चल रहा है यहाँ पर डे, डेरिवेटिव में तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है क्योंकि दो ही वेरिएबल है तो जो आपका कांस्टेंट है अब वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ y ठीक है ये पहली बात अभी भी हमारा सोल्यूशन तो आया नहीं है क्योंकि अभी भी डेरीवेटिव वाला प्लेयर बैठा है इसको हटाने के लिए क्या करें इंटीग्रेट करो ठीक है इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड अगेन तो इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कटेगा यू वाला टर्म बचेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में अब यू बचा है राइट हैंड साइड में सब कुछ इंटीग्रेशन में चला जाएगा तो इंटीग्रल टू एक्स इज टू एक्स स्क् एक्स स्क् इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट बार आ गया इंटीग्रल विध रेस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स हो गया सो कॉन्स्टेंट इन टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब ये जो कॉन्स्टेंट आएगा वो भी अगेन क्या होगा फंक्शन ऑफ वाई होगा तो अब फंक्शन ऑफ वाई जी ऑफ वाई हम मान लेते हैं तो ये आपका सोल्यूशन हो गया ये सोल्यूशन मौजूद है कहाँ पर इसमें तो यहाँ पर जी ऑफ वाई नहीं है एच ऑफ वाई है क्योंकि जी ऑफ एक्स उनके हिसाब से है तो हम यहाँ पर जी को हटा करके एच कह देते हैं एच ऑफ वाई एच इज़ दी फंक्शन ऑफ वाई ठीक है तो इनके हिसाब से क्योंकि अगर मैं जी रख दूँ तो वो वो जी फंक्शन ऑफ एक्स है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ये कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ वाई होना चाहिए हैंस यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है तो आप देख सकते हो बहुत ही आसान से सवाल था पर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी अगर हमको पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता तो हमारे लिए कोई नुस्खा यस आपके लिए एक ट्रिक है पता है वो ट्रिक क्या मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लास में कई बार बताया था पार्शल डेरीवेटिव हो या नॉर्मल डेरीवेटिव नहीं सूझ रहा है सब्सिट्यूशन टेक्निक आपका सोल्यूशन हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिसफाई करना चाहिए समझ में आ रही है बात अगर बात समझ में आ रही है तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करो कि यहाँ पर अगर एक बार ही डेरीवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार ही डेरीवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आंसर हो जाएगा टू एक्स आ जाएगा कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव कट जाएगा इसका क्या हो जाएगा ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि जी डबल डैश की कहानी सब बनेगी जबकि हमारा जी डबल डैश और ये सब कुछ कहानी है ही नहीं हमारा सीधा कांस्टेंट है राइट right. तो यहाँ पर हमको कहना है ये जी डबल डैश लोचा दे रहा था इसलिए ऑप्शन ये गलत है अच्छा यहाँ पर चेक कर लो डो यू बाई डो एक्स इसमें क्या हो रहा है इसमें जी डैश का लोचा नहीं होगा पर यहाँ पर टू एक्स प्लस ये फंक्शन ऑफ वाई बच जाएगा ठीक है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन वन है और ये कॉन्स्टेंट तो डेरिवेटिव में जीरो हो जाएगा अब एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो टू आ रहा है बिल्कुल इससे मैच कर रहा है तो ये तो सही लग रहा है नीचे जाते हैं इसको चेक करते हैं तो इसको चेक किया तो टू एक्स प्लस यहाँ पर तो ये फंक्शन ऑफ वाई है पर जी डैश ऑफ एक्स अगेन पिक्चर में आ गया ये गड़बड़ है इधर भी जी डैश पिक्चर में आ जाएगा तो ये टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का तो जीरो है वाई ठीक है वाई इंटू जी डैश ऑफ एक्स ये जी डैश आ गया यहाँ पर तो इसलिए ऑप्शन भी सही है बात ख़त्म यहाँ से भी हम कह सकते थे सॉल्विंग से मेथड टू ट्रिक सब्सिड्यू मतलब आपका सल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये सब्सिड्यूशन ट्रिक से भी बन जाता ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं दी प्रोबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासस ओनली इन मैथमेटिक्स इज वन बाई थ्री दी प्रोबिलिटी दैट द स्टूडेंट ओनली इन इंग्लिश इज फोर बाई नाइन दी प्रोबिलिटी दैट द स्टूडेंट पासेज इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वन बाई सिक्स द प्रोबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास इन एट लीस्ट वन ऑफ दिस टू सब्जेक्ट एट लीस्ट वन ऑफ दिस यूनियन वाला खेला पूछा जा रहा है अब मुझे पता है आपको आंसर आ चुका है विच इज लेवन बाई एटीन दैट इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ये कैसे हुआ सर जी तो सबसे पहले आपका जो गलत सोल्यूशन है उसको देख लेते हैं आप क्या कह रहे हो मैथमेटिक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो वन बाई थ्री है इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी फोर बाई नाइन है दोनों में पास होने की वन बाई सिक्स है और यूनियन मांग रहे हैं तो सर जी देखो सोल्यूशन कितना सिंपल हुआ ये तो अपना बेसिक्स ऑफ प्रोबलिटी वाला ही हो गया ना कि पहले पी ऑफ एम पास होना है मैथ्स में तो वन बाई थ्री है प्रोबेबिलिटी पास होना है इंग्लिश में तो फोर बाई नाइन है प्रोबेबिलिटी दोनों में पास होना है तो प्रोबेबिलिटी है वन बाई सिक्स और यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा था क्या हमसे मांगा जा रहा था यूनियन तो यूनियन फाइंड करने के लिए तो पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई होना चाहिए तो यहाँ पर सर जी हमको कहना पड़ेगा वन बाई थ्री प्लस वन नहीं वन तो नहीं है फोर है फोर बाई नाइन माइनस वन बाई सिक्स बेस को एटीन करने के लिए जो मैन्युपलेशन है वो कीजिए ऊपर नीचे सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर देखो सर जी यहाँ पर हम कह सकते हैं ना ये कितना हो गया ये पाँच हो गया पाँच और छः कितना हो गया ग्यारह तो ग्यारह बटा अठारह यही तो कह रहे थे सर जी दैट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट बट ये है गलत दिस इज रॉन्ग दिस इज द द्रैप सेट द गेट एग्जामिनर हमेशा यही तो मैं सिखाता हूं अपने कंसेप्चुअल क्लास में कि कैसे बचना है इन ट्रैप से और वो ट्रैप इसलिए है क्योंकि आपने एक शब्द नहीं पढ़ा ओनली इन मैथ्स जिसमें इंग्लिश का इंटरफेरेंस नहीं है ओनली इन इंग्लिश जिसमें मैथ्स का इंटरफेरेंस नहीं है ये ओनली के कारण कहानी चेंज हो जाती है और कहानी अब बन जाती है कुछ यू ध्यान से देखना वेन डायग्राम से अब ये सवाल बनाना है वेन डायग्राम के हिसाब से हम कहेंगे ये मेरा सैम्पल स्पेस है ये वाला मैथ्स हो गया ये वाला इंग्लिश हो गया ठीक है सिर्फ मैथ्स होना देखो ओनली इन मैथ्स का मतलब ये वाला रीजन ओनली इन मैथ्स की कहानी दे रखी थी वन बाई थ्री सिमिलरली ओनली इन इंग्लिश ये कहानी दे रखी थी फोर बाई नाइन और अब दोनों में पास होने की कहानी दे रखी थी वन बाई सिक्स इसलिए ये पहला स्टेप है अगर ये बात समझ में आ गई तो आंसर समझ में आ जाएगा कि अब सभी को ऐड करना है यूनियन क्या होता है इधर मैथ्स में हो इंग्लिश में हो या दोनों में हो ठीक है यूनियन मतलब ये येलोइश रीजन तो सभी प्रोबिलिटीज़ आपको ऐड करनी थी टू गेट दी आंसर सो वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स प्लस फोर बाई नाइन तो आपका आंसर जो है वो सेवेंटीन बाई एटीन आता है हेंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट समझ में आया द रियल सोल्यूशन इज दिस और आपने वो ओनली नहीं पढ़ा और वो डेटा नहीं पढ़ने के कारण गलत आंसर आ गया वो गलत आंसर भी ऑप्शन में मौजूद था तो मस्त तरीके से ट्रैप में फंसे आप चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल बहुत ही इजी है तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आपसे पूछा गया है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इस और आर करेक्ट इस और आर का अर्थ यह होता है कि ये एम एस क्यू है आ एक ऑप्शन सही या उससे ज्यादा सही हो सकता है